और कह रहे हैं ये है गाना बजाना। हाँ गाना बजाना, गाना बजाना तो ये तो हमने सीखा ही नहीं, सीधे आ गए यहाँ मंच पर। अब सुनो गाना बजाना, गाना सुनो। पहली बार बैठी है मंच पे, भैया को पहली बार नजर आ रही है मंच पर, पहली बार बैठी है। कहा फिल्म वालों ने क्या बेटे, हम तो भैया भट्टाबाजी बेचते हैं यार, और क्या कुछ नहीं बेचने जानते भैया, ये नहीं जानते कि हम क्या बेचते हैं। गाना सुनिएगा, सुनिएगा। मेरे दीवाने को इतना ना सताओ लोगो, ये क्या बात बेटे, क्या बात है तेरे को, आराम से बेटे। और बेटा ये होती है ढोलक, ठीक है बहसी है, तुम ही होश में आओ लोगो, खुदा का खौफ खाओ ना इसको सताओ, बहुत मंजू में है ये, कमों से चूर है ये, क्या बात है बहुत, क्यों चले उठाने को, काम लगाना चाहिए। बिल्कुल, क्यों चले आए हो बेबस को जिदम धाने को, कोई पत्थर से हाँ कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने को, पत्थर से ना मारे कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने को, कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने को। आपका गीत पूरा गीत काल्पनिक है। हाँ बिल्कुल, और बेहतरीन कथाएं लगी हैं। हाँ बहुत अच्छे वकील साहब, कथाओं से ही कल्पना होती है। बिल्कुल बिल्कुल, तर्क में कभी नहीं रहेगी। गीत जो आपका लिखा है वो वास्तव में कल्पना अच्छी है। हाँ, और कथाएं जो लगी हैं, जो दृष्टांत लगाए हैं, वो बहुत बढ़िया लगे हैं, बहुत ही सुंदर। बात को स्वीकार करो। हाँ आपने बहुत बढ़िया चीज कही कि तीरथ राज स्वयं कालिमा मिटाने के लिए तीरथ में नहा रहा है, मुक्ति मुक्ति पाने के लिए मुक्ति परेशान है। क्या बात है बेटा, हम अब सुनिए बात आपकी आई है। काली काया को ये कालिमा को धोती है, कालिमा मिटाने को और जिसने भी कल्पना की है, मैं उससे भी कहूंगा कालिमा दो बार आया है। कालिमा का अर्थ क्या है, क्या बात, अर्थ सिर्फ कालिमा का कालिमा ही है। बिल्कुल वकील साहब, बिल्कुल सत्य बात है। रचना में सब जो बेटा, रचना में यमक अलंकार तो आपने प्रस्तुत किया, लेकिन उसकी जो परिभाषा होती है भाई, यमक अलंकार की परिभाषा क्या होती है? बिल्कुल बिल्कुल है? बिल्कुल बेटे, यमक अलंकार, यमक अलंकार कहता है कि जहाँ दो या दो से अधिक शब्द एक ही बार आए, बिल्कुल, और दोनों का अर्थ भिन्न भिन्न हो। हाँ वही तो विशेषता है।
और जहाँ ये गीत आया शब्द मिला काली माँ, काली माँ, काली माँ, काली माँ, कालमा का, कालमा का जो भाव है वो सिर्फ कालमा है। बिल्कुल, या आप खड़े होकर सिद्ध कर दें कि नहीं कालमा अलग अलग है। बिल्कुल समझो बेटा। अब आप काली माँ नहीं है, काली माँ ये नहीं है, सिर्फ कालमा है। काली माँ। अब सुनिए भाई, काली माँ क्या, वो तो सिद्ध माता, माता गंगा को, माता गंगा को या माता गंगा के लिए कहीं किसी ग्रंथ में किसी पुराण में काली शब्द का प्रयोग किया होगा तो कीर्तन गाना बजाना बंद कर। कोई बात नहीं बेटा, वो देखो मैं फालतू नहीं बोलता हूँ, वो सिद्ध करना चाहते हैं। बिल्कुल बेटा, बात साहित्य की होगी, ये साहित्य की नगरी है। हाँ भैया, जो नीचे से बहुत बोल रहे थे सीधा शब्द लगाते हैं अब, काली माँ तो काली माँ एक बार आता तो शोभा देता। ठीक है, अब जवाब सुनेगा, सुनिएगा एक बार। कलिमल की छाया भक्ति पुत्रों पे पड़ जाती है, ये शुभारंभ कर रहा हूँ जवाब। क्या बात है, सुनिएगा, सुनिएगा बेटा, नोट करिएगा। कली के पापों की आ बेटा, कली के पापों की उनमें है काली माँ छाई। किनमें, भक्ति को दो पुत्र हैं, एक ज्ञान दूसरा वैराग। धन्यवाद। जब कलयुग के पापों की कालमा उन पर पड़ गई, बहन जी ये कथा भागवत में प्रथम दिवस में ही सुनाई जाती है। बिल्कुल बिल्कुल, भागवत से कोई लेना देना नहीं है, गाना बजाना है। ये भागवत से कथा मिलती है, सुनिए। ज्ञान वैराग क्या जाने भैया, क्या होता ज्ञान क्या होता वैराग ये नहीं जानते। कलि के पापों की उनमें काली माँ छाई, बूढ़े ज्ञान और वैराग जवा है माई। ज्ञान और वैराग बूढ़े हैं, जो भक्ति है उनकी माता है वो जवान है। माता जवान है, सुनिए, जवान है माता, समझो। जब कलयुग की छाया उन पे पड़ गई, वहां पर होता क्या है, वहां पर सुनिएगा। माता बहुत जवान है, आए हैं जब मुनि ज्ञानी, वहां सप्त ऋषियों को बुलाया गया। आए हैं जब मुनि ज्ञानी, बताई पूरी कहानी। जब सप्त ऋषियों ने बताया, सप्त ऋषियों को जब बताया कि ये मेरे पुत्र हैं, एक का नाम ज्ञान है, एक का नाम वैराग है, इन्हें कलयुग की छाया पड़ी, तब होता क्या है, सुने। कथा इनको सुनाओ, हुई है ये न भुवानी। आकाशवाणी हुई कि इन्हें भागवत की कथा का श्रवण कराया जाए। अब सुनिए, सुनिए, समझो। किया है जतन ग
गंगा जी के तट पर मुनियों ने साप्ताहिक कथा का आयोजन किया, कथा सुनाई। तो सुनिए, किया है जतन ज्ञान बैराग को बचाने का, किया है जतन ज्ञान बैराग को बचाने को, कथा का पान कराते कालिमा मिटाने को। सुनिए जवाब, कथा का पान कराते कालिमा मिटाने, जब प्रभु श्री राम ने अयोध्या में अश्वमेध यज्ञ का शुभारंभ किया और सभी क्या बात है, सुनिए, सुनते रहिएगा। जैसे भी भगवान राम ने सभी तीर्थराजों को आमंत्रण दिया, सुनिएगा, पाप को गंगा में धोया गया। हाँ बिल्कुल बेटा, ज्ञान की बातें हैं जो काम आएंगी। बिल्कुल, पाप को गंगा में धोया गया। हाँ, वो पाप प्रयागराज में पहुंचा। हाँ, उसी पाप के कारण प्रयागराज की काली देह हो गई। बिल्कुल बेटा, जब काली देह हो जाती है क्या बात है, ऐसा सुनने को नहीं मिलेगा। ध्यान, अवध में राम ने जब यज्ञ अश्वमेध किया, अवध में राम ने जब यज्ञ अश्वमेध किया, निमंत्रण राजा और तीर्थों को दिया, सभी तीर्थों को आमंत्रित किया, सभी राजाओं को बुलाया, सब आए लेकिन प्रयागराज नहीं आया। क्या बात है? जब प्रयागराज नहीं आया तो प्रभु राम ने कहा कि मेरे बुलाने से प्रयागराज नहीं आया। प्रयागराज जैसे ही राम ने बाण चढ़ाया वैसे ही प्रयागराज सामने से चला रहा था, काला और काले घोड़े पर बैठकर। क्या बात है, ये भी काम की बात है, सुनते रहो ध्यान से, एयरफोन लगा। अब देखिए, सुनते रहिएगा ज्ञान की बात। अब देखिए कि किस भेष में आ रहा है प्रयाग। प्रयाग तो आप जानते हैं, बिल्कुल प्रयाग, प्रयाग काले घोड़े में बैठकर पूरा शरीर काला। पूरा शरीर काला, पूरा शरीर काला, बिल्कुल काली हुई काया उनकी, काले घोड़े पे चढ़कर, काले ही वस्त्र पहनकर, काली हुई काया उनकी नहीं पहचाने रघुबर, अब जब वो अयोध्या आया तो वो कौन सी आशा लेकर आया, समझा दो। पाप से कलुषित काया को पावन करवाने को, वो प्रयाग राम के हाथों, सुनिएगा, अवध आए प्रयाग कालिमा मिटाने को। और जैसे ही राम जी ने हाथ फेरा, प्रयागराज जैसे थे वैसे हो गए। क्या बात है, और ये
इनके अवन पद मुद्राओं का आशीर्वाद हमारे बब्बा श्री भगवान सिंह दद्दा लोधी राजपूत बाबा तलापार वाले और हमारे बगल के हैं। क्या बात है, बहुत ही शौक रखते हैं संगीत से। बिल्कुल बिल्कुल बेटे, संगीत के शौकीन है वकील साहब दद्दा जी। और एक प्रमाण और मिलता है। कौन सा वकील साहब? एक प्रयागराज ने सोचा कि मेरी काया ज्यों की त्यों कैसे हो। तब राम जी ने चक्र का आवाहन किया और चक्र को छोड़ा। जब वो चक्र छोड़ा तो कहां गिरा? आज वो तीर्थ बना नीमसार। नीमसार, और नीमसार में ही जाकर प्रयाग ने नोट कर लो बेटा, वो चक्र नीमसार बना। हाँ कर लो बेटा। और उसी नीमसार का एक नाम और मिलता है जिसका नाम है चक्र तीर्थ। अब आए प्रयाग कालिमा मिटाने को, ये बिल्कुल अब आए प्रयाग कालिमा कथा आपके गीत में लगी थी, लेकिन ये नहीं लगी थी कि वो चक्र तीर्थ बना। नीमसार में जाकर प्रयाग ने नहाया वहां भी। बिल्कुल मैंने बताया, भगवान का कीर्तन है, शांति के साथ सुनिएगा। प्रयाग आपके गीत में जो लगा था कि प्रयाग की कालिमा, कालिमा तो पता ही कि प्रयाग काले हो गए, लेकिन प्रयाग की कालिमा मिटी कहां, ये कहीं नहीं लगा, कहीं नहीं। नहीं प्रमाण ये ना अगर मानो तो राम जी ने तो हाथ फेरा है तो कालिमा मिट गई। बिल्कुल वकील साहब सही बात है। नहीं छोटी बहन है वकील साहब, अगर ये आपके में लगा है कोई बात नहीं, छोटी बहन है। दूसरा प्रमाण है। अरे इन सब चीजों को समझो, लेकिन जवाब देना चाहिए मंच पे, जवाब जब देता है जवाब सा होना चाहिए। भरपाई नहीं, सुनिएगा भरपाई कैसी ना बेटे, सब्जी भाजी में जवाब नहीं होता है, फिर जवाबी जवाबी होती है। अब सुनिए बेटा, अब सुनिए कि जवाबी होती क्या है। क्या अब पता चलेगा जवाबी होती क्या होती है जवाबी।